नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका अपने चैनल योगामय लाइफ पे स्वागत करता हूँ। आज का मेरा जो वीडियो है उसका शीर्षक है विपश्यना। बहुत समय से मेरे चैनल के व्यूअर्स की, सब्सक्राइबर की मुझसे गुजारिश आ रही थी कि मैं विपश्यना पे कुछ बोलूँ और विपश्यना की जो बात है उसको क्लियर करूँ आपके सामने। तो आज हम विपश्यना पे बातचीत करेंगे और विपश्यना को समझेंगे कि विपश्यना है क्या और विपश्यना से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, विपश्यना हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है, विपश्यना से हम क्या सीख सकते हैं। ये सब बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। विपश्यना है खुद को खुद से रिहा करने की विधि। जब खुद को खुद से रिहा करना हो ना, तो विपश्यना सबसे कारगर विधि है। मेरे मन में जितने भी विचार उठते हैं वो सभी उठने वाले विचार मेरे नहीं हैं। देखिए, मन एक जगह है जहाँ पे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। विचार ही विचार, तरह तरह के विचार, ये विचार, वो विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, घर के विचार, बाजार के विचार, जॉब के, बिजनेस के, रिलेशंस के, कई तरह के विचार। मैं विचारों को देखता ही चला आ रहा हूँ, उठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और पता नहीं इन उठते हुए विचारों को देखते देखते मैं कब खुद को मन समझ बैठा, इस बात का पता ही नहीं चला, सच में पता नहीं चला। पर मैं वास्तव में मन नहीं हूं, ना ही मैं मन कभी था, ना मैं मन कभी होऊंगा। मैं यानी आप यानी मैं। हमने विचारों की रस्सियों से दुनिया की विभिन्न वस्तुओं को, लोगों को अपने साथ बांध रखा है। ऐसा करते करते हम खुद ही उन विचारों के माध्यम से कुछ लोगों से, कुछ वस्तुओं से इस कदर बंध चुके हैं कि जो उनका जो बंधन है, जो जुड़ाव है, वही एकमात्र सत्य आता है और इसके पीछे जो सच्चाई है वो बिल्कुल झूठी नजर आती है। विचार वो रस्सियां हैं जो हमें चारों तरफ से बांधे हुए हैं, ऐसी रस्सियां जो नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन यकीन मानिए हर उठने वाला विचार एक रस्सी ही है जो हमें किसी न किसी रूप में किसी वस्तु से बांधे हुए है, किसी व्यक्ति विशेष से बांधे हुए हैं। पर ये वस्तुएं, ये लोग और ये जुड़ाव, ये रिश्ते, इन सब से हम बहुत जल्द ऊब जाते हैं। हमें अच्छा लगता है कुछ समय तक जुड़ाव, कुछ समय तक वस्तुएं अच्छी लगती हैं, कुछ समय तक रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन हम ऊब जाते हैं उन रिश्तों से। और जब ऊब जाते हैं तो फिर हम लग जाते हैं नई वस्तुएं जोड़ने, नए रिश्ते जोड़ने के लिए या कोई नई चीज़ ज़िंदगी में लाने के लिए। पर कोई भी चीज़ लंबे समय तक नहीं चलती, ये प्रकृति का नियम है, चल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति के जो नियम है ना, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक नहीं चलने देते, क्योंकि हर वस्तु पैदा होगी और वो कुछ समय तक चलेगी और फिर वो डिके होनी शुरू हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। हमारे शरीर के साथ भी यही नियम लागू होता है। दुनिया की हर वस्तु, हर रिश्ते के साथ यही नियम लागू होता है। तो कभी ना ख़त्म होने वाला ये सिलसिला चल ही रहा है और चलता रहेगा कि विचारों की रस्सियों से हम बंधे हुए नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और फिर उनसे ऊब जाएंगे। वो कुछ समय के लिए हमें सुख देंगे। देखिए, सुख इंद्रिय जनित होता है और आनंद जो है वो इंद्रियातीत होता है। सुख जब भी आएगा तो दुख भी लेके आएगा। सुख है ही दुख का उल्टा। तो ये जो परंपरा है, जो ये सिलसिला है, परंपरा नहीं कहूंगा, सिलसिला है,
वो तब तक चलता रहेगा जब हम लोगों में, वस्तुओं में सुख को और उनके रिश्तों में सुख को छोड़ना बंद नहीं कर देंगे। लेकिन उसके लिए रिहाई चाहिए, विचारों की रस्सियों से रिहाई। इसके लिए ही मुझे अपने आप को अपने आप से अलग करना होगा, क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं जिसके कारण मैं दुखी हूँ। फिर मैं क्यों इस दुख को भोग रहा हूँ? मुझे अलग होना होगा उस हर चीज से जो शाश्वत नहीं है, जो आती है कुछ समय तक रहती है चली जाती है, मुझे उस चीज़ से अलग होना होगा। विपश्यना से ये अलगाव जो है आसानी से शुरू हो जाता है। खुद को खुद से अलग करने की यात्रा शुरू हो जाती है और साथ में ही खुद को खुद समझने की यात्रा भी शुरू हो जाती है। दो काम होते हैं विपश्यना से एक साथ में, खुद को खुद से अलग हो करना शुरू हो जाता है और खुद को समझना भी आने लग जाता है। विपश्यना पे तीन प्रकार से कार्य किया जाता है, एक सांसों पे ध्यान किया जाता है और दूसरा विचारों पे ध्यान किया जाता है, तीसरा विचारों के शरीर पर प्रभाव पे ध्यान किया जाता है। विपश्यना क्या सिखाती है हमें? मन को कंट्रोल करना सिखाती है सबसे पहली बात, और उसके बाद मन को प्योर करना सिखाती है। पहले मन को कंट्रोल किया जाएगा, फिर मन को प्योर किया जाएगा, और उसके बाद मन के पार लेके जाती है विपश्यना। देखिए, विपश्यना कोई धार्मिक पद्धति नहीं है, ये एक तकनीक है। हाँ, गौतम बुद्ध ने इसका प्रयोग किया और इसको जगत में फैलाया। गौतम बुद्ध ने विपश्यना ही शुरू की थी, विपश्यना से ही उन्होंने सालवेशन ली थी, मोक्ष लिया था और उनको बुद्ध कहा गया था, विपश्यना की मदद से ही। देखिए, अब जो है विपश्यना का जो पहला पॉइंट है, जहां हम सांसों पे ध्यान करते हैं, आती हुई जाती हुई सांस को साक्षी भाव से देखते हैं, सांस आ रही है जा रही है, धीरे धीरे हमें पता लगने लग जाता है कि सांस हमारे अंदर पिरोई जा रही है और वो बाहर भी निकल रही है। तो हम इसको देखते देखते पता नहीं कब मन से पार जाके, मन से ऊपर निकल के मन को कंट्रोल करने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारी श्वासों का मन में उठने वाले भावों से बड़ा गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे मन में विचलन होता है, वैसे वैसे श्वास में तेजी या धीरे होनी शुरू होती है, वैसे वैसे सांस में उतार चढ़ाव होना शुरू होता है। तो जब हम सांसों पर ध्यान करते हैं तो हम श्वासों के देखते देखते मन पे हमारा कंट्रोल हो जाता है। सबसे पहले हम श्वासों पे कंट्रोल करते हैं, श्वासों को ध्यान करते करते। तो क्या होता है, मन सधने लगता है इसकी हेल्प से। मन जब सधने लगता है तो एकाग्रता बढ़ने लगती है। एकाग्रता ही देखिए ध्यान पे लेके जाती है। एकाग्रता जब लंबे समय तक होगी तो ध्यान की हैपनिंग हो जाएगी। यही पतंजलि का अष्टांग योग कहता है, गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, पर इतने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मन की एकाग्रता एक क्रिमिनल में भी हो सकती है। मेरा ये बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे मनों में बहुत सारे विकार होते हैं, और आपको बता दूं कि जो लोग बुरे काम करते हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनका उनमें भी एकाग्रता बड़े अच्छे श्रेणी की होती है। वो एक आम व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एकाग्रता से काम करते हैं, यानी कि एकाग्रता आ गई और मन की शुद्धि नहीं हुई तो हम गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और जो विकार हैं, मनों की विकृतियां हैं, ये विकार वास्तव में बुरे विचारों के रूप में हमारे चित्त के अंदर दर्ज होते हैं और समय समय पे अपना प्रभाव हम पर छोड़ते रहते हैं। हमने एकाग्रता को हासिल कर लिया लेकिन विकारों को हमने रिमूव नहीं किया है,
तो विपश्यना की जो पहली तकनीक है श्वासों में ध्यान, उससे हमें लिया क्या फ़ायदा लिया कि हमने मन को एकाग्र करना सीख लिया, मन को कंट्रोल करना सीख लिया। अब मन भागेगा नहीं, भागेगा तो हमारी कंसंट्रेशन के अंदर भागेगा, हमें पता चल जाएगा मन भाग रहा है, हम उसको फिर से कंट्रोल कर लेंगे और लंबे समय तक एक बात को बनाए रखेंगे। मैंने कहा कि मन विकारों से भरा हुआ है, तो जो दूसरा कार्य है वो है मन को प्योर करना, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मन को शुद्ध करना। उसके लिए हम विचारों को उठते हुए देखते हैं, विचार कैसे उठ रहे हैं, कौन सा विचार उठा, और एक विचार से दूसरा विचार, हर विचार दूसरे विचार को जन्म दे रहा है। एक विचार उठता है वो अपने साथ कई सारे ऑप्शन लेके आता है, और हम उसमें ऐसे कोई ऑप्शन चुन के वो विचार दूसरे विचार पे सवार हो जाता है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, ऐसे श्रृंखला चलती जाती है। तो हमारे अंदर जो है इस तरह की श्रृंखला चल रही है, कभी नहीं बंद हो रही। एक विचार दूसरे को, दूसरा विचार तीसरे को, तीसरा चौथे को, सोचते सोचते पता नहीं हम कहाँ गुम हो जाते हैं, और उनमें से किसी विचार को जिंदगी समझ बैठते हैं और उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं, वो चाहे अच्छा विचार हो चाहे बुरा विचार हो। हमें लगता है कि नहीं, ये मेरा ही विचार है, यही मुझे करना है। तो जब हम विचारों को देखना शुरू करते हैं तो विचारों को समझना भी शुरू कर देते हैं, और ऐसा करते करते एक लंबी प्रैक्टिस के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी विचार मेरा नहीं है, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं हूं, ये मेरा विचार नहीं है। जो मैं अब सोच रहा हूं, मान लीजिए कि मेरे मन में खाने को लेकर कोई विचार उठा, और वो विचार उठा कहां से, पता नहीं कौन सी जगह से वो विचार उठ के कहां से कहां, मान लो कि एक लकड़ी की ट्रॉली जा रही है, लकड़ी को देख के मेरा विचार उठा, कहां लकड़ी ये आग जलाने के काम आती है, और आग जलाने के काम आती है, अच्छा आग से तो जो है खाना बनता है, अच्छा खाने में मेरा विचार आ गया, हाँ खाने में तो बहुत सारी वैरायटी होती है, खाने में विचार आ गया कि मुझे जो है मान लीजिए कि रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, हाँ वो भी पका के बनाया जाता है। तो लकड़ी जा रही थी, वो उठते उठते मेरा विचार बन गया कि रसगुल्ला बहुत टेस्टी होता है, वो अब वो खाया जाए, जबकि रसगुल्ला खाना मेरा विचार नहीं है। मैंने लकड़ी को देखा और वो विचार से विचार टकराते इस बात पे आगे खड़ा हो गया रसगुल्ला, और मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि मान लीजिए कि मैं उसको पसंद करता हूँ लेकिन वो मेरा विचार नहीं है, फिर भी मैं उसको खा रहा हूँ ये सोच के कि नहीं मेरे मन में आया है मैं करूँगा। कोई भी विचार मेरा नहीं है, जब मुझे ये बात समझ आने लग जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इम्प्योर हो या प्योर, कोई भी विचार मेरा नहीं है, ना मैं कोई विचार हूं। मन मेरे सामने तरह तरह के विचार परोस रहा है, मुझे पता चल जाएगा, और मैं ही उनमें से कुछ विचार, किसी एक विचार को चुन के उसके पीछे भागता हूं, वो करने लग जाता हूं, और फिर धीरे धीरे वो विचार ऊर्जा खोने लगता है और मैं भी खो लेता हूं ऊर्जा उसके साथ साथ। इस तरीके से जिंदगी भर और जन्म दर जन्म ये श्रृंखला चलती रहती है। हम विचारों को पिछले जन्म से भी उठा के लेके आते हैं और उन्हीं विचारों के अनुसार हमारा ये जीवन भी होता है। हम खुद डिसाइड करते हैं, मजे की बात ये है, और कोसते हैं गोड को। पर जैसे जैसे विपश्यना का प्रयोग करते करते मन जो है, मैं मन के लिए सजग रहने लगता हूं, तो मुझे अच्छे बुरे जो है विचार समझ आने लग जाते हैं, मुझे पता लग जाता है कि दोनों ही विचार ही हैं, और कोई भी जरूरी नहीं है मैं अच्छे या बुरे विचार के पीछे भागूं। विचार था, उठा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने लकड़ी को देखा और वहां से आग पे पहुंच गया, आग से मैं खाना पकाने में पहुंचा, खाना पकाने से मैं रसगुल्ले में पहुंच गया। अब ये जरूरी नहीं है, अगर मैं विचारों का शिकार हो गया तो मैं किसी दुकान पे जाऊंगा या मंगवाऊंगा, वो चीज खा लूंगा। अगर मैं शिकार नहीं हुआ तो मैं सोचूंगा नो, ये विचार लकड़ी से उठा था, ये विचार मेरा नहीं है, मैंने लकड़ी को देखा था, देखने मात्र से ये विचार पैदा हो गया। बस जब ये बात समझ में आती है तो मन प्योर होना शुरू हो जाता है, पता चलना लग जाता है। ये विपासना का
दूसरा पड़ाव है, फिर तीसरे पे आते हैं। मन से पार जाना है, पहले मन को एकाग्र किया, सांसों पे ध्यान किया, फिर विचारों पे ध्यान किया, उनको उत्पन्न होते हुए देखा, उनको चलते हुए देखा, उनके सोर्स को देखा, उनको खत्म होते देखा, पता चल गया इम्प्योर हो या प्योर, कोई भी विचार मेरा नहीं है। फिर बात शुरू होती है कि विचारों का शरीर पर क्या प्रभाव है। कोई विचार आया, एक विचार आया, वो मेरे मुंह में पानी छोड़ गया किसी खाने की चीज की तरफ लालसा उत्पन्न करके, बॉडी में चेंजेस आए ना एक विचार के द्वारा। अगर मैं उस विचार को विचार ही समझता तो मेरी बॉडी के अंदर चेंज ना आते, लेकिन मैं उस विचार के साथ हो गया, साथ होते ही मेरी बॉडी ने भी रिएक्ट किया। देखिए क्या सिस्टम है ईश्वर का बनाया हुआ हमें बांधने के लिए। सजग रह गए, समझ गए तो निकल जाऊंगा, आप भी निकल जाएंगे। सजग नहीं रहे, विचार का शिकार बन गए, तो कभी रसगुल्ला खाते रह जाएंगे और कभी कहीं घूमते रह जाएंगे, कभी किसी के पीछे चलते रह जाएंगे, कभी जिंदगी में कोई काम करते रह जाएंगे। इस जन्म दर चलने वाले चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो तीसरा चरण है विचारों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें हम इस बात का अवलोकन करते हैं कि वो विचार उठा, जैसे मैंने बताया, उस विचार से दूसरा विचार उठा, उस विचार से फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, हो सकता है हजारवां। इस बीच में जो है, जिस विचार को मैंने पकड़ा उसने मेरे शरीर पे प्रभाव डाला, शरीर में क्या हलचल हुई। अगर मैं देख लेता कि मेरे शरीर में पैदा हो रही है लालसा, मेरी जीवा में पैदा हो रही है लालसा, तो मैं समझ जाता ये रिएक्शन है मेरे द्वारा किए हुए एक्शन का, और मैं उस लालसा के साथ नहीं होता तो मैं इस कार्य से बच जाता। वो कार्य बुरा है अच्छा, इस बात की बात नहीं कर रहा मैं ये नहीं कह रहा कि रसगुल्ला खाना बुरी बात है, लेकिन उसके पीछे लालसा रखना बुरी बात है। एक विचार के द्वारा जो मेरा है ही नहीं, एक लकड़ी की गाड़ी जाते हुए देख के जो मुझे विचार आ रहा है उसके कारण मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, वो बनता ही नहीं है खाना। इसी प्रकार से अगर हाँ वो रसगुल्ले खाने की लालसा, अगर मैं ये समझता कि ये विचार लकड़ी से पैदा हुआ है, लकड़ी और रसगुल्ले का कोई तालमेल ही नहीं है, अब मैं ये देखूंगा कि ये विचार रुका कितनी देर मेरे अंदर लालसा बनी रही कि नहीं मैं खाऊं, उठ गया, मान लो मैं हो गया, अगर मैं तब भी सजग हो गया तो मैं ये देखूंगा कि कितनी देर मेरे मन के अंदर लालसा बनी रही कि मैं ये खाऊं, और कितनी धीरे धीरे वो लालसा खत्म हुई और फिर एंड हो गया। फिर देखा कि अब भी क्या रसगुल्ला खाने का मन है, नहीं अब मन नहीं है, अब मन नहीं है। प्रभाव भी पैदा हुआ था और प्रभाव भी खत्म हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कोई विचार उठा, विचार से दूसरा विचार उठा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां, हजारवां, या बीच में कहीं गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अब या तो क्रोध के साथ क्रोधित हो गया, मुठिया बिछने लगी, आंखें जलने लगी, पर मुझे क्रोध के साथ क्रोधित नहीं होना था, उस विचार को जाने देना था, उस क्रोध को देखना था कि अब ये इस विचार से उत्पन्न हुआ क्रोध देखता हूं कि कितनी देर रहता है, ऐसा करते करते मन के परे चला जाऊंगा, मन के बहुत दूर चला जाऊंगा, निकलता चला जाऊंगा मन की शिकंजे से। तब बात यह समझ में आने लगती है कि आपका क्रोध एक विचार है, आपकी जीभ की लालसा भी एक विचार है और कुछ भी नहीं है। उस क्रोध से क्रोधित कैसे होना है, उस क्रोध का रिएक्शन कैसे करना है, वो भी एक विचार है। क्रोध एक विचार है, क्रोध होना एक विचार है, क्रोध को रिएक्ट करना एक विचार है, तो फिर मैं कौन हूं? मैं विचार नहीं हूं। अब खुद से खुद को अलग करने की यात्रा काफी हद तक आगे निकल चुकी है, अब कनेक्टिविटी आना शुरू हो जाएगी, हर चीज से अपनापन,
एक अलग तरह का अपनापन। खुद को विचार और इंद्रियों से देखना खत्म हो जाएगा। पता चल जाएगा कि मैं विचार नहीं हूँ। हाँ, विचार पैदा हो रहे हैं मन पे, वो मेरे शरीर पे भी प्रभाव डाल रहे हैं, मेरे शरीर के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन उन चेंजेस की भी एक लिमिट है। वो भी कुछ देर तक रहते हैं, वो भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस चीज़ को समझ आते 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 मन से परे चला जाता है व्यक्ति, फिर विचार खींचेगा नहीं, फिर में मन में उठने वाला क्रोध खींचेगा नहीं, तन में उठने वाला स्वाद खींचेगा नहीं, तो डाइवर्ट नहीं होंगे, भागेंगे नहीं, जिंदगी की मोहमाया के पीछे भागेंगे नहीं, टेक्निकली अलग हो जाएंगे। फिर अंत में बात शुरू होती है, जब वो प्योर हो, कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है, तो हम उस कॉन्शियसनेस को शरीर के अंदर की यात्रा करवाते हैं। जब ना कोई विचार होता है, ना कोई खिंचाव होता है, तो विचार पैदा हो भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, झंझकोरेगा नहीं विचार वो अंदर जाके। क्रोध पे विजय पाली होती है, मोह पे विजय पाली होती है, मोह की भी लिमिट है। बड़ी बड़ी जो है भावनाएं बड़े अंदर से बहुत बहुत तरीके से पैदा होती हैं, बहुत पोटेंशियल से हमारे अंदर से पैदा होती हैं, लेकिन अगर हम उसको देखना सीख जाएं कि नहीं, ये भावना ही है जोर मार रही है, धीरे धीरे वो भावना खत्म हो जाएगी, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो सुख की हो, चाहे वो प्यार की हो। तो कॉन्शियसनेस को, जो प्योर हो चुकी होती है, उसको अंदर की यात्रा करवाते हैं, शरीर के अंदर की, और उस ऊर्जा को जो अनंत के रूप में बह रही है उसको अपने शरीर के अंदर प्रवाहित होने देते हैं। ये है विपश्यना, भगवान बुद्ध के द्वारा अपनाई गई रीति, जिसके द्वारा वो सालवेशन को प्राप्त हुए थे, मोक्ष को प्राप्त हुए थे। बैठ गए थे, वो भी परेशान हो गए थे जब घर से निकले, जानने के लिए कि क्या है, कौन हूं मैं, क्यों ये दुख है, क्यों ये सुख है। तब हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रपंच वाला वो चल रहा था, तो जो कर्मकांड वाला जो वेदांत का जो पाठ है वो चलता था। पंडित लोग जो है शोषण करते थे, शोषित होते रहे बुद्ध भी, लेकिन अंत में आगे बैठ गए, बैठ गए, तो जो विधि निकली वो विपश्यना थी, जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। फिर भी कोई बात आपको समझ में ना आई हो, मैंने विपश्यना की जो तीन मुख्य विधियां हैं वो मैंने बता दी हैं आपको, चौथा जो कॉन्शियसनेस को शरीर के अंदर की यात्रा करवानी होती है वो भी बता दी है, फिर भी कोई बात रह गई हो या आपके मन को समझ ना आई हो, आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और हम यूं ही आपस में जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है योगामय लाइफ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।